2014 मसीह रिलीज होता सुपरहिट कन्नड़ फिल्म उग्रम जो फिल्म रे लीड रे श्रीमुरली एवं हरप्रिया नजर आसीले। फिल्म रो बजेट मात्र 6 कोटी रखा जाता बेले फिल्म रो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थिला 30 कोटी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री 2014 मसीह यह हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म जो फिल्म टी थिएटर रे 150 दिन रु अधिक दिन रनिंग होता। यह फिल्म टी रिलीज होबार 2 वर्ष पर आम ओडिया चलचित्र जगत रे निर्माण होता अगस्त्या जो फिल्म रे लीड नजर आसीले सुपरस्टार अनुभव महांती एवं झिलिक भट्टाचार्य। 2016 मसीह रिलीज कर ओडिया फिल्म अगस्त्या भी ब्लॉकबस्टर होता। तेब दर्शक बंधु आज वीडियो रे यही दुईटी फिल्म संपर्क में आलोचना करवा सहित आपन को एक खुशी खबर मध्य देबु। यही वीडियो रे निकट रे रिलीज होई रिबेल स्टार प्रभास को आगामी फिल्म सोलार रो टीजर। सोलार फिल्म को जे निर्देशना देउचंती से होउचंती प्रसाद नील। प्रशांत नील पूर्व केजेएफ 1 एवं केजेएफ 2 को निर्देशना दे सारी। कौन आपन जानी कि केजेएफ 1 केजेएफ 2 एवं सोलार फिल्म को निर्देशना दे डायरेक्टर प्रशांत नील को प्रथम फिल्म है उग्रम। जेहेतु उग्रम फिल्म टी प्रशांत नील को प्रथम फिल्म थिला से समय जदिओ फिल्म टी भल होता किंतु पाखे से बजेट नाला सिनेमा निर्माण करने से समय से 6 कोटी में गोटे भल सिनेमा निर्माण कर देखते खाली से दर्शक बंधु आम ओडिया सिनेमा अगस्त्या 1,80,00,000 टंका रे निर्माण करा जाइतिला किंतु परे परे एही सिनेमा रो सैटेलाइट राइट्स को सार्थक टीवी किनिथिला 40,00,000 टंका रे। जदि देखा जाए 40,00,000 टंका रे गोटे चैनल गोटे ओडिया सिनेमा को किनिबा बहुत बड़ कथा किंतु से समय रे एही सिनेमा को 40,00,000 टंका रे जी सार्थक किनिथिला। तबे वीडियो रे कहिथिबा खुशी खबर टी होची पूर्वर अनुभव महांती अनेक रिमेक सिनेमा रे अभिनय कर सारिछंती प्राय सिनेमा भी ब्लॉकबस्टर एवं सुपरहिट होई तबे अनुभव महांती को कहवा कथा से वर्तमान ठारु कौन सी रिमेक सिनेमा रे काम करें कहीं अनुभव महांती जानते फैन्स केते भरोसा करती जदि लोक मैंने चाहते भल एवं ओरिजिनल सिनेमा देखापी तेज अनुभव महांती कहवा कथा तेज मुझे ओरिजिनल सिनेमा ही निर्माण करी खाली से नुहे राबड़ फिल्म कहानी को पैसा खर्च कर लिखा जाए। तेब दर्शक बंधु जदि आपन अगस्त फिल्म देखिथिले तबे आपन को ए फिल्म टी केमिति लागिथिला कमेंट बॉक्स आपन मतामत लेखि जणापई जमर भूलंतु नाही एवं एभली फिल्म संपर्क सूचना पई एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु जीवन टीवी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।